हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है बसंत पंचमी, ये बसंत पंचमी का ब्लॉग है। तो आर्यन और उस आरोही और उसके पापा गए मार्केट, प्रसाद और फूल वूल लेने गए थे। यहाँ पे मैं मालपुए के लिए जो उसका बैटर होता है ना, उसको मैं घोल के रख दूंगी ताकि अच्छे से ये फॉर्मेट हो जाए। मतलब ये फूलता है ना, तभी जाकर मालपुआ फूलता है। तो इसमें मैंने एक कटोरी मैदा और एक कटोरी चीनी और आधी कटोरी के करीब सूजी लिया था। सूजी कम ही लगता है इसमें, ज़्यादा लेने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेल सोखता है, तो कम लेते हैं। और ज़्यादा मतलब अलग अलग सा हो जाता है, मतलब इकट्ठा नहीं होता ना, कि अलग अलग सा बिखरा बिखरा सा लगता है मालपुआ। तो इसलिए इसमें ज़्यादा सूजी नहीं डालते हैं। और इसको मैं घोल के ना 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी। ये सुबह का टाइम है, मैंने घोल के रख दिया इसको, और बनाऊंगी 12 मतलब 11-12 बजे के करीब मैं बनाऊंगी। और इसमें मैंने दूध दूध नहीं डाला है, मैंने सिंपल तरीके से बस पानी में घोल के बनाया था। और यहाँ पे कुछ नारियल थे, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और किशमिश है। आप जो भी अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो काजू था लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने सोचा कि चलो नारियल को पीस के डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैं बनाऊंगी इसकी कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, और पुआ बनाऊंगी। यही 2 चीज़ बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा तो बना सकते हैं लेकिन खाने वाला भी कोई होना चाहिए। और इनको वैसे वही ऑयली सामान ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल, और बच्चे भी नहीं खाते हैं उतना। कचौड़ी 1-2 खा भी लेते हैं, लेकिन मालपुआ तो बिल्कुल भी नहीं, आरोही भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पहले अग्नि माता को मतलब उनको तल के अर्पित कर दिया है, उनको चढ़ा दिया है। पहला छोटा छोटा सा डाल दिया था पहले, और उसके बाद में मालपुआ। और मैं ना बहुत कम मालपुआ बनाती हूँ, मुझे आता ही नहीं था, लेकिन अब तो मैं कुछ कुछ बना भी ले रही हूँ। नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब क्या बताऊँ मैं। लेकिन अब मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक ठाक ही बना लिया, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आरोही छील रही थी मटर, मटर लेके आए थे ये सब्जियों में, सब देख सकते हैं। और ये प्रसाद है, तो हम लोगों में प्रसाद में चढ़ता है आज के दिन में फ्रूट चढ़ता है, 5 या 7 टाइप का फ्रूट चढ़ता है। और एक नया बुक और पेन लेके आ गए थे आर्यन के लिए, तो वो चढ़ाया था उन्होंने। और फ्रूट देख सकते हैं, नारियल भी इसके बाद में नारियल तोड़ा था उन्होंने, लेकिन नारियल वहाँ पे भी नहीं चला था। तो यहाँ पे ना आर्यन कर रहा है पूजा, गुलाल लगा रहा था। और आर्यन आरोही के हाथ में ना गुलाल लग गया था, तो वो साफ कर रही थी लेकिन साफ हो नहीं रहा था, तो वो परेशान थी। उसे लग रहा था कि मतलब गंदा है, लेकिन फिर मैं बोल रही थी नहीं गंदा नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मालपुआ मैंने बना लिए हैं। उसके बाद में मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। तो देख सकते हैं कितना फुला फुला सा आलू की कचौड़ी बना है। और ये जो दिख रहा है ना आपको ऑयली ऑयल ऐसा, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो आटा होता है ना, आटा में बेल के मैंने डाला है, तो वही आटा है उसका परथन। यहाँ पे सारी आलू की कचौड़ियाँ मैंने तल लिया है, पुए भी बन गए हैं, और बिना बिना चटनी बिना सब्जी के ही आज मतलब मैंने शॉर्टकट काम किया है, शॉर्टकट, क्योंकि इनको भी लग गई थी भूख, टाइम नहीं था। इन्होंने कहा कि 2 जो बना है वो उसे दे दो, और वैसे भी आलू की कचौड़ी में सब्जी कौन खाता है, तो इन्होंने कहा कि लाओ हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, बाद में टाइम मिलेगा तो चटनी बना लेना। लेके आए थे धनिया पत्ता, रायता बनाने के लिए दही लेके आए थे, लेकिन बोलते ना इतनी मतलब आज भीड़ भाड़ में टाइम ही नहीं मिल पाया। और यहाँ पे महारानी देख रही है मोबाइल। इंगेज कॉपी कलम रख के बिजी है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। और अभी टाइम हो रहा है, बताओ कितना, अभी टाइम हो रहा है 2:30, और आरोही सो गई है। सारे लोग खा पी लिए हैं, सबका पूजा पाठ हो गया है, मुझे नहाने में काफ़ी टाइम लग गया है। और ये है गुलाल, हम लोगों में आज से गुलाल स्टार्ट हो जाता है, मतलब होली स्टार्ट हो जाता है। तो आज माता रानी को, माँ सरस्वती को गुलाल चढ़ता है, तो इसलिए सब लोग गुलाल से पूजा करते हैं और गुलाल लगाते भी हैं। तो बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में रंग आती है, मतलब रंग बिरंग ज़िंदगी होती है, बसंत पंचमी का यही मतलब मकसद है
माँ सरस्वती सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरती हैं, और माता रानी करे, मतलब माँ सरस्वती करे कि आप सभी के ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे लगी है बहुत 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 जोरों की भूख, तो मैं खाना निकालती हूँ। और चटनी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है आज, तो मतलब बिजी थी इतना कि चटनी भी नहीं बना पाई है। और आप लोग कैसे बनाते हैं, क्या मतलब क्या मनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मैं खाना निकालती हूँ, आप लोग बस पुआ बनाया है मैंने, मालपुआ और कचौड़ी बनाया आलू का, तो आप लोग भी आ जाइए खाने। मतलब रायता भी बनाना था, दही रखा हुआ है, चटनी भी बनाना है, धनिया पत्ता रखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही खा ले रही हूँ, शाम को बनाऊँगी। इनको भी ऐसे ही दे दिया मैंने बेचारे को। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, और खाना बस मेरा ही था, खाना बाकी था तो मैं खा रही हूँ, और आर्यन को भी खिला रही थी थोड़ा बहुत। बोल रहा था कि एक आध बाइट खाया था उसने, वैसे भी उसका तो पेट भरा हुआ था। और यहाँ पे बहुत ही बड़ी वाली कॉमेडी होने वाली है, तो आप लोग बेसब्री से देखिएगा कि कितना, मतलब वैसे मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, वो इत्तेफाक से बोल सकते हैं कि वो वीडियो मैंने ऐड कर दिया है, नहीं तो मैं काटने वाली थी, हटाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करते हैं कि क्या। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था ना कि मैं आर्यन को बोली थी कि एक मेरा पिक ले लो, तो देख सकते हैं मेरे पीछे वो छिप गए हैं, और बाद में मुझे इतनी हंसी आई ना कि क्या बताऊँ मैं। देख सकते हैं कि वो मेरे पीछे छिपे और निकले, तो मुझे, मैंने हंस लिया। अरे 4 बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है? तो इसका हाथ पैर बांधने वाली हूँ मैं, इससे दो हाथ पैर बांध दो। हाँ, वो खुद ही अपना हाथ पैर बांध रही है, ये काम कर रहे हैं, और बार 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 जाके छेड़ दे रही है, और उनका काम खराब हो जा रहा है। तो इसका हाथ देखिए 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 यही हो रहा है। जो दो हाथ बांध दो, दोनों हाथ दो बांध दो। हाँ दे रहा हूँ, तो बांध दो, दो हाथ बांधो दो। तो यही है, और आज तो खाना पीना काफ़ी लेट हो गया है, मतलब 2-2:30 बजे खाना खाई हूँ, तो अभी तो कुछ काम आज मतलब होता है ना कि जब तीज त्यौहार होता है तो ज़्यादा लेट हो ही जाता है, तो अभी कुछ काम कर रहे हैं मुझे। और मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया, तो जाती हूँ मोबाइल को चार्ज में लगाती हूँ, क्योंकि मोबाइल को फुर्सत ही नहीं है चार्ज होने के लिए। घुस गई, देख लीजिए, गुस्सा में सो गई महारानी, गुस्से में है, बोलेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोलेगी नहीं, देखो। अभी शाम के बज गए 6 और बन रही है मेरी चाय, चाय बना रही हूँ मैं, और अब जा रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा घर को मतलब मैसी कर दिया था बच्चों ने। और ये देखिए मेरे बाल, छोटा वाला बाल है ना, यहाँ पे चिमटी लगाई हुई तो निकल गया है, तो झाड़ू वाड़ू लगा दिया है मैंने। और आरोही का तो मार्केटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होता, पूरे दिन काम कर करके परेशान थक गई, आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट भी हुआ, खाना खाने में लेट हुआ ना, तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब सर में चक्कर सी आ रही है, लेट खाना खाने के बाद में ना ऐसे ही होता है। तो मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ, पीऊँगी तो थोड़ा मन शांत लगेगा, हल्का लगेगा। और आरोही गई है अभी लविक के पास, बगल में ही है, और लविक की मम्मी के पास गई है, और आर्यन चला रहा है साइकिल, और ये पूरे दिन काम में लगे हुए हैं, अभी भी काम ही कर रहे हैं, दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो अभी भी पूरे दिन मतलब 6 बज गया है, सुबह से बैठे हैं खाना खा के 11 बजे से, और अभी तक काम कर रहे हैं। तो मैं चीनी चाय पत्ती डाल देती हूँ चाय पत्ती। और यहाँ पे ना अपनी आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया है, और देखना चाहती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं बिल्कुल पागल लग रही हूँ, लग रहा है ना मैं पागल जैसी बात कर रही हूँ, ऊपर से मतलब फास्ट कर दिया है, मतलब हंसी आ रही थी मुझे। और देख सकते कि मेरा चाय बन गया है, तो 2 कप में चाय छान लिया मैंने, शाम हो गई थी काफ़ी, 6:15 बज गया था, तो अंधेरा होने लगा था, अंदर अंधेरा हो रहा था, तो इनको मैंने चाय दे दिया, क्योंकि पूरे दिन काम कर रहे थे बैठ के, तो इसीलिए मैंने दे दिया कि आप भी पी लो।
बज गया है 7। क्या हुआ, मोबाइल चाहिए दे रही हूँ। 7 और सारा शाम का पूजा पाठ हो चुका है। चलो बेटा, शाम का पूजा पाठ हो गया है और यहाँ पे चल रहा है गाना। और कौन सा गाना है, हम तुम्हारे हैं सनम। मोबाइल हाँ दे रही हूँ। और आरोही को चाहिए मोबाइल। और ये रहा मेरा आज का लुक। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सरस्वती माँ, बाय बाय, नमस्ते।